अच्छा पहले तो इसकी ओपनिंग नहीं है, ये सबसे ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि पीएसएल की वजह से कि मैचेस शुरू हो रहे हैं, टीम की प्रैक्टिस हो रही है, तो ये अभी ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी और इस पर ये पूरी टीम जो यहाँ पे खड़ी हुई है इन सब ने दिन रात काम किया है और ख़ास तौर पे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको दिलजोई के साथ काम किया है, तो इन सबको मुबारकबाद। और मुझे उम्मीद है कि ये दो दिन से जो ट्रैफिक का मसला बना हुआ था वो काफ़ी लाहौर में कम हो जाएगा, तो अल्लाह करे कि हम ये जो दूसरी डेडलाइन है 23 मार्च वाली जिस पर ये 100% कम्प्लीट हो जाएगा वो भी ये होपफुली पूरी कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मतलब पीएसएल मैच के वाले से किसी ने आपसे 45 करोड़ मांगा था, वो सर नहीं मिलो, ये कैबिनेट वाले सारे खड़े, ये तो पैसे मंजूर करने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं पता, देखिए लास्ट ईयर पंजाब गवर्नमेंट का तकरीबन 60 करोड़ रुपया लाइट्स पे और बाकी खर्चों पे लगा था, हम इंटरिम गवर्नमेंट हैं, जो हमें अभी तक उन्होंने कहा जी आप ये पैसे खर्च नहीं कर सकते, ना ये कैबिनेट तैयार हो रही है खर्च करने के लिए। आप एक सेकंड मेरी बात सुनो, मैं बता देता हूँ। देखें सबसे बड़ी बात है, जिस टाइम उनका इत्तेजाज हो रहा था उनको इन सब ने रिक्वेस्ट की थी कि आप वहाँ ना करें, क्योंकि उस वक्त पीएसएल की टीम आ रही थी, उसी टाइम उनका इत्तेजाज चल रहा था, अल्लाह ना करे कोई वाकया हो जाता कौन ज़िम्मेदार था, फिर तो हमें क्रिटिसाइज़ करना था ना सब ने उनको, स्पेशली वही दिन वही टाइम वही सारा कुछ था, ये ज्यादती है ये ना करें, बाकी अपनी पॉलिटिक्स करें बिल्कुल करें वो। देखिए मेरी बात सुने, फिर सारे लोग बैठे, उसके बाद एक सिर्फ छोटी सी चीज़ थी कि हमें किसी भी सूरत में पीएसएल की सिक्योरिटी बाकी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, उसके अलावा हमें कोई इतराज, वो जितनी मर्जी एहतजाज करें जो मर्जी करें उनका राइट है करने का, सारी काबीना का वो फैसला हुआ है और उसमें बहुत सारी क्योंकि 4-5 दफ़ा चेंजेस हुई हैं सारी के साथ, तो सब ने जो फैसला किया कि जो बेहतर है उसको करते हैं। नहीं हमने कानून शादी नहीं की, नहीं हमने कोई नहीं हमने नहीं बनाया, नहीं बनाया, आप चेक कर लें, नहीं आप चेक कर लें, हमने नहीं कराया। नहीं काम होता रहेगा, 23 मार्च को ये 100% कम्प्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, जब भी इलेक्शन होगा हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, वो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, वो मैं कह रहा हूँ उसके लिए हम 100% रेडी हैं, इलेक्शन कमीशन वो पहला काम है हमारा।